वेलकम टू रॉक मलेस किचन। आज मैंने सोच लिया चलो सेल्फी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम लोग बना रहे हैं करी पत्ता का रसम, करी लीव्स रसम। ये मेरी मुंबई में जो आंटी रहती है उनका रेसिपी है। लास्ट टाइम मेरे मम्मी जब उधर गए थे उधर उन्होंने बनाया था और वो बहुत टॉप क्लास हुआ था, इसलिए हम लोगों ने सोचा उनसे फ़ोन करके रेसिपी मंगवा लें। तो आज हम लोग वही बना रहे हैं। सो होपफुली शिला माई दिस इज़ फॉर यू एंड होप हम लोगों का वो क्या बोलते हैं जैसे बनाने वाले ना वो आपको पसंद आ जाए आपका जितना वो लेवल तक। तो आज मैं और मम्मी बना रहे हैं वो रेसिपी रॉकमलेस किचन के लिए। तो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आज कौन बताएगा? पता है मैंने बताने वाला, मम्मी बताएगी। मम्मी पूरा नर्वस होके खड़ी है इधर, तो मैं कैमरा चेंज कर देता हूँ इधर। ओके तो मम्मी बताएगी। मम्मी पहले नमस्ते। ओके तो मम्मी बताएगी अभी क्या क्या चाहिए। ओके कड़ी पत्ता ज्यादा, कोकोनट। हाँ ये कोकोनट है। सॉल्ट, चिल्ली, हल्दी पाउडर और हिंग, जीरा, पेपर, एक टमाटर, धनिया, चना दाल, मेथी, उड़द दाल, टैमरिंड। ओके इसका क्वांटिटी। ओके घी और घी, ये देखिए घी इतना नहीं डालना है, ये घी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये पानी, इसका क्वांटिटी जैसे है कि एक एक चम्मच है, सबका एक एक चम्मच लिया हम लोगों ने। हम लोग बना रहे हैं इसको चार लोगों के लिए, ठीक है। हम क्योंकि ये करी लीव्स है तो करी लीव्स ज़्यादा चाहिए। हम लोगों ने बॉल में लिया है, ये फ्रेशली हमारे घर में बनता है, तो हम लोगों ने इसको वॉश करके अभी रखा है, सुखा के रखा है। तो बर्तन गर्म हो रहा है, वी हैव टू ऐड घी एक चम्मच। ओके डेढ़ चम्मच। सो करी पत्ते को घी में फ्राई करना है। ओके अभी सबको एक ही साथ एक करके इसको फ्राई करते जाना है। दो, तीन, और ये साइड में करी पत्ता फ्राई हो रहा है। इसको कम से कम ना 10 मिनट लगेगा ये फ्राई होते रहने के लिए लो फ्लेम में। और वन बाय वन सारा मसाला इसमें डालते जाना है। मसाला नहीं, वही जो भी है ना दिखाया था इंग्रेडिएंट्स, वो पूरा ड्राई रोस्ट करना है घी में। सब कुछ देसी घी में बन रहा है आज। मैं तो जब वर्क फ्रॉम होम खत्म हो जाएगा ना वो जाऊँगा, क्या हिंदी बोल रहा है यार, मैं तो मोटा टमाटर बन जाऊँगा। टमाटर नहीं, आलू और हल्दी। रॉक मलेस किचन खाना बनाओ, खाना खाओ, काम करो, सो जाओ, यही रूटीन है अभी। तो मम्मी का हाथ का बना हुआ खाना मैं रोज पूछ रहा हूँ, जो कि अच्छी बात है। बाहर खाने का चॉइस ही नहीं है वैसे भी। मम्मी देखो डबल टास्क कर रही है मेरे से, तो डबल टास्क छोड़ो, सिंगल टास्क भी बहुत पंगे से होता है। अभी एक ग्रेटेड कोकोनट भी डाल दिया, खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है, जबरदस्त मसालों का स्मेल है ना। मम्मी का पूरा कटिंग हो रहा है। मम्मी नॉर्मली चाकू से नहीं काटती है, वो एंटिक होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अटोली कदम मुझे मने यार, मुझे भी नहीं पता उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उधर नीचे है उसमें काटती है हाथ में, ऐसा ट्रेडिशनल वहाँ चाकू से। चाकू तो मैं ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ घर में, तो मुश्किल नहीं है, कट गया। और ये तरीके भी देख लो, मसाला अभी फ्राई हो रहा है। और इधर ये करी लीव्स भी देखो कलर चेंज हो रहा है, तो डार्क हो रहा है, तो डीप फ्राई हो रहा है। डीप फ्राई नहीं, दो चम्मच घी डाला था ना उसमें फ्राई हो रहा है।
इसको कम से कम ना 1.5-2 मिनट लो फ्लेम में फ्राई करते रहना है, वो आपको पता चलेगा कि कब उसको निकालना है। तो लो फ्लेम में रख के इसको फ्राई करना है, नहीं तो काला हो के करेला हो जाएगा, इसीलिए ना थोड़ा ध्यान से। तो अभी इसको ग्राइंड करना है मसाले को, तो हम लोगों ने जार में लिया और टैमरिंड अभी अभी डाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब इसको फाइन पेस्ट करना है, अभी इसको फाइन पेस्ट करना है, ठीक है, फाइन, फुल्ली फाइन पेस्ट करना है। इसको ने थोड़ा वो पानी भी डाल दिया है फिनिश के लिए। अभी ये करी लीव्स भी फ्राई होके रेडी हो गया, देखो साउंड आ रहा है, देखो पट 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 हो रहा है, देखो। अभी इसको भी वही जार में डाल के वंस फॉर ऑल ग्राइंड करना है एक ही बार। इसको जार में डाल के ना एक 5-6 मिनट के लिए साइड में रख दो, क्योंकि ये अभी बहुत बहुत गर्म रहता है ये, ठीक है, धुआं निकल रहा है। ऐसे ही ग्राइंड पेस्ट मत करो आपका, नहीं तो 5,000 का नया मिक्सी लेना पड़ेगा, इसीलिए इसको 5-6 मिनट साइड में रख दो, उसके बाद फाइन पेस्ट करना है। अभी पेस्ट हो गया, अब इसको बर्तन में डालना है। देखिए पूरा ये सेहत के लिए बहुत बढ़िया है अभी, क्योंकि कोरोना गिरोना करके चल रहा है ना आजकल पूरे वर्ल्ड में, तो इसके लिए तो ये तो फर्स्ट क्लास है, क्योंकि करी लीव्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और मसाला भी इसमें जो है ये राइस के साथ आप खा सकते हो, बहुत बढ़िया बन जाएगा। स्पेशली साउथ इंडिया में तो बहुत हम खाते रहते हैं, इसको खाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे आंटी ने जैसे बोला है तो बहुत बढ़िया है। तो अभी मम्मी ने उसको मसाला देखो ऐसा बन गया, और उसको टमाटर भी कटा हुआ टमाटर है ना वो भी डाल दिया, अभी सॉल्ट भी डाल दिया, डाल नहीं डाल दिया, डाला हुआ है, ओके सॉल्ट ऑलरेडी डाला हुआ है स्वाद अनुसार। देखिए अब इसको बॉईल करना है, कितना मिनट बॉईल करना है, 5-10 मिनट, ओके एनीवेयर बिटवीन 5-10 मिनट्स, हाई फ्लेम या लो फ्लेम, मीडियम, मम्मी ने बोला मीडियम तो मीडियम में करने का, ओके मीडियम फ्लेम करके अभी इसको नमक डालना है स्वाद अनुसार, 1-1.5 चम्मच, इतना बड़ा बर्तन के लिए, ये 1 लीटर का होगा, 1 लीटर आया, ओके 1 लीटर का बर्तन लिया हम लोगों ने, तो 1-1.5 चम्मच, 1 चम्मच डाल दो, उसके बाद आप चेक करो, ठीक है। अभी ये वो होता है ना ब्लू 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 हो जाएगा ऊपर से, तब तक वो रेडी हो जाएगा, तो तब तक मैं भी देखता रहता हूँ। तो अभी देखिए ये फुल बॉईल हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं फुल, जैसे वो दूध ऊपर आता है ना जैसे ये भी ऊपर आ रहा है, इसका मैंने ऑलमोस्ट अभी रेडी हो गया, क्या रेडी हो गया, हाँ हो गया, मम्मी ने बोल दिया हो गया, तो अभी इसको फाइनल स्टेप भी करना है, मैं आपको बोलता हूँ। देखिए टॉप क्लास हुआ है, टॉप क्लास। अभी लास्ट में हमें उसको तड़का डालना है, तो तड़के के लिए भी हम लोगों ने रेडी किया है बर्तन, तो देखिए मुँह से पानी आ रहा है, मेरा स्वाद इतना बढ़िया आ रहा है, आप लोग ज़रूर ट्राई करो, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसको अभी हम लोग सर्विंग बाउल में डाल रहे हैं, देखिए पूरा एंटिक होटल स्टाइल, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में बनता है ना बाल्टी में, पूरा हमारा घर में भी बाल्टी में डाल के आपको दिखाना है अभी, तो पूरा मम्मी ने पूरा तैयारी करके रखा हुआ है, ये पूरा मम्मी का कारनामा है। आप एक बार किचन भी देख लो, मम्मी रेडी कर रही है, देखो छोटा सा किचन है, पूरा बहुत क्लीन करके रखा हुआ है, अगर इसके अंदर मेरे को आधा घंटा छोड़ दिया ना पूरा इधर से उधर हो जाएगा। ये देखो शेफ लोग हाय बोल रहे हैं, ये देखो टकला, मम्मी का इधर, ओके इधर रेडी हो गया, ओके इधर हम लोगों ने इसमें घी लिया है 1 चम्मच, 1-1.5 चम्मच घी, और इसमें मस्टर्ड डाला हुआ है, बस इसका तड़का इसमें डाला उधर पलटा, तो इसको थोड़ा वो पटपटाना है उसके बाद रेडी हो जाएगा। तड़का सिंपल है, बस 1.5-2 चम्मच घी और 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स, कोई भी कलर हो सकता है, ओके ओके। सो करी पत्ता का रसम
जो मैं बोल रहा था ना तब से, फाइनली रेडी हो गया। तो मैं भी चावल लेके बैठ रहा हूँ, आप भी ज़रूर बनाओ घर में, और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बंदे भी खा सकते हैं आराम से, सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। और वैसे भी सब लोग घर में है ना, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए, ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा। तो आप ज़रूर बनाओ और हेल्दी रहो, घर के अंदर रहो ज़रूर, अगर ज़रूरत है तो ही बाहर जाओ, ऐसे ही घूमने मत जाओ। सही है ना मम्मी? सही है ना? हाँ, तो मम्मी भी देखो उधर, और मम्मी को कुछ बोलना है? नहीं बोलना है? मम्मी का स्माइल देखो, ओके, मिलियन डॉलर स्माइल है। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू रॉकमालियास किचन, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो, तो नीचे आइकॉन है सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब करो। और सी यू अंटिल देन, बाय बाय।